100 से भी ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी वेटरन एक्ट्रेस शबाना आजमी उन चुनिंदा एक्ट्रेसेस में से हैं जो कमर्शियल और आर्ट दोनों ही तरह की फिल्मों में अपनी जबरदस्त एक्टिंग दिखा चुकी हैं। और एक्टिंग भी ऐसी जिसका कोई जवाब नहीं। 5 बार नेशनल अवार्ड भी अपने नाम किया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एक्ट्रेस की जिंदगी में एक दौर ऐसा भी आया था जब इन्होंने पेट्रोल स्टेशन पर चाय कॉफी बेची थी, यहाँ तक कि 2 बार सुसाइड करने की भी कोशिश की। तलाकशुदा राइटर जावेद अख्तर से शादी करने के लिए घर में बगावत तक कर दी। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम शबाना आजमी के बारे में इतना सब क्यों बता रहे हैं। हम आपको बता दें, ऐसा इसीलिए क्योंकि आज है शबाना आजमी का हैप्पी वाला बर्थडे। आज शबाना 71 साल की हो गई हैं और इस खास मौके पर आइए जानते हैं उनसे जुड़े सुने और अनसुने किस्सों के बारे में और साथ ही उनके अफेयर्स के बारे में। शबाना आजमी का जन्म 18 सितंबर 1950 को हैदराबाद के उस हिस्से में हुआ था जो अब तेलंगाना में आता है। इनके पिता मशहूर शायर कैफी आजमी थे, जिनकी शायरी की मिसाल आज भी दी जाती है, और उनकी मां शौकत आजमी उस जमाने की बेहतरीन थिएटर आर्टिस्ट में से एक हैं। शबाना को फिल्म इंडस्ट्री में आए कई दशक हो गए हैं, लेकिन एक ऐसा वक्त भी था जब शबाना आजमी ने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की थी। इस बात का खुलासा उनकी मां शौकत आजमी की ऑटोबायोग्राफी कैफी एंड आई मेमोयर में हुआ। एक बार शबाना स्कूल की लेबोरेटरी में गई और कॉपर सल्फेट खा लिया। ऐसा इसीलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी माँ उनके भाई बाबा आजमी को उनसे ज्यादा प्यार करती हैं। इसके अलावा एक बार शौकत आजमी ने शबाना के रूड बिहेवियर की वजह से उन्हें घर से निकल जाने के लिए कहा था, जिसके बाद शबाना ने ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड करने की कोशिश की थी। लेकिन खैरियत ये हुई कि उस वक्त वहां स्कूल का चौकीदार मौजूद था, जिसने शबाना को मरने से बचा लिया। शबाना आजमी के बारे में बताया जाता है कि 12वीं क्लास में फर्स्ट डिवीजन से पास होने के बावजूद एक्ट्रेस ने कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले 3 महीने तक पेट्रोल स्टेशन पर कॉफ़ी बेची थी और इस काम से रोज़ाना उन्हें 30 रुपये मिलते थे। हालांकि यही बात उन्होंने अपने घर से छुपा कर रखी थी। जब एक बार शबाना ने अपनी मेहनत की कमाई को अपनी माँ के हाथों में सौंपी तो उनकी माँ हैरान रह गई और उन पैसों के बारे में पूछने लगी, तो शबाना ने बताया कि उनके पास 3 महीने का वक्त था जिसे उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। बात करें उनके लव अफेयर और शादी तक के सफर की, तो ये भी कुछ कम इंटरेस्टिंग नहीं रहा। बहुत कम लोग जानते हैं कि जावेद अख्तर से पहले शबाना का नाम फिल्म मेकर शेखर कपूर के साथ जुड़ चुका था। शबाना का शेखर के साथ करीब 7 साल तक लंबा रिलेशन था जो बाद में टूट गया। इसके बाद शबाना मशहूर लिरिसिस्ट और राइटर जावेद अख्तर के प्यार में पड़ गईं, लेकिन शबाना के पेरेंट्स को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। ऐसा इसीलिए क्योंकि जावेद पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन जावेद और शबाना एक दूसरे के प्यार में इस कदर पड़ चुके थे कि शबाना ने घर में बगावत कर दी। जावेद अख्तर की उनकी पत्नी हनी ईरानी से भी खटपट चलने लगी और दोनों ने तलाक ले लिया। इसके बाद शबाना और जावेद ने 9 दिसंबर 1994 में निकाह कर लिया। इस शादी से दोनों के कोई औलाद नहीं है। हालांकि जावेद की पहली पत्नी से हुए बच्चे फरहान और जोया अख्तर के साथ भी शबाना का अच्छा बॉन्ड देखने को मिलता है। बात करें शबाना के फिल्मी करियर की, तो शबाना ने 1974 की फिल्म अंकुर से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई सारी बेहतरीन फिल्मों से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। शबाना आजमी की सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री गजब की थी और दोनों ने 7 सुपरहिट फिल्में दी हैं। शबाना आजमी ने अक्षय कुमार और नंदिता दास के साथ वाटर फिल्म के लिए अपने बाल तक मुंडवा दिए थे, लेकिन किन्हीं कारणों से फिल्म पर रोक लगा दी गई थी और बाद में नई स्टार कास्ट के साथ इस फिल्म को दोबारा शूट किया गया। यही नहीं, अमर अकबर एंथनी, हनीमून ट्रेवल्स, संसार जैसी कमर्शियल फिल्मों से भी उन्होंने अपनी एक्टिंग के हुनर की अलग छाप छोड़ी। शबाना को उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए अंकुर, अर्थ, पार, गॉड मदर और खंडर के लिए 5 बार बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। स्वामी, अर्थ और भावना के लिए शबाना को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया जा चुका है। शबाना आजमी को भारत सरकार की तरफ से 1988 में पद्मश्री और साल 2012 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, ये थी शबाना आजमी की कहानी हमारी जुबानी। हमारी तरफ से भी शबाना को हैप्पी वाला बर्थडे।
आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक भी करें और आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ तक के साथ।